पुलिस का खौफ नहीं कानून व्यवस्था उतरी पटली से। लोकुश नगर में लगातार स्टेट बैंक में आने वाले लोगों को कर रहे अपराधी टारगेट। 4 दिन पहले 3,40,000 स्टेट बैंक के बाहर से मोटरसाइकिल की बैग की डिग्गी काट कर चोरी। आज स्टेट बैंक के अंदर से 49,000 बैग काट कर चोरी। अपराधी हुए बेलगाम कानून व्यवस्था लोकुश नगर से उतली पटली से नीचे। लगातार आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। 22 मार्च समय 11 बजे के आसपास 3,40,000 बैंक के बाहर से मोटरसाइकिल की बैग की डिग्गी को काट कर चोरी और आज एक बार फिर स्टेट बैंक के अंदर से राजा राम शुक्ला अपनी भतीजी की शादी के लिए लोकुश नगर स्टेट बैंक से 49,000 रुपए निकाल कर बैंक के काउंटर नंबर 3 पर पासबुक में चिट लगवाने के लिए खड़ा हुआ और किसी ने राजा राम के बैग को काट कर 49,000 रुपए पार कर दिए। घटना की सूचना पर लोकुश नगर पुलिस स्टेट बैंक पहुंची और पूरे मामले की छानबीन सहित बैंक के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और आरोपियों की तलाश में जुटी। 4 दिन के अंदर यह दूसरी घटना वो भी स्टेट बैंक से। पहले स्टेट बैंक के बाहर घटना घटित हुई और आज स्टेट बैंक के अंदर। इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी बेखौफ और निडर होकर घटनाओं को खुलेआम बिना पुलिस के भय के अब अंजाम दे रहे। और पुलिस के हाथ 4 दिन पहले खाली थे और अब भी। डीआई राजेश बंजारे के जाते ही कानून व्यवस्था पटली से पूरी तरह उतर चुकी है। अपराधी अब खुलेआम दिन दहाड़े लोगों के साथ घटनाएं घटित कर रहे हैं। कहाँ से बैंक से रख लिए। फिर कैसे निकल गए कहाँ बैंक में रखने के बाद हमें अपनी पासबुक में चिप लगवाना थी तो विभिन्न काउंटरों में घूमते रहे तो उन्होंने बताया कि 3 नंबर काउंटर में लगेगा। तो 3 नंबर काउंटर में खड़े रहे। भीड़ थी ऐसे काफ़ी भीड़ थी किसी तो किसी ने ऐसा काम कर लिया। कितना पैसा था? 49,000। क्या नाम?